दोस्तों अभी जो मैंने डिस्कवर किया उस पर मैं वीडियो बना के आपको डायरेक्टली शो कर रहा हूँ। तो ये किसके बारे में है? ये है यूट्यूब रिसर्च के बारे में कि कैसे आप अगर आप नए हैं यूट्यूब में तो किस पे वीडियो बनाएं ताकि आपके पास थोड़ा व्यूज़ आ जाए। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट ट्रेंडिंग टॉपिक्स। ओके, आपको पता होगा कि अगर आप ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर वीडियो बनाते हैं तो आपको व्यूज़ आएगा। तो यहाँ पे एक साइट है जो कि फ्री है, वो है एक्सप्लोरिंग टॉपिक्स। बट मैं आपको बता दूं कि इसके थ्रू जाकर के वीडियो मत बनाना। इनफैक्ट ये ट्रेंडिंग टॉपिक हैं बट ये काफ़ी निच रिलेटेड टाइप के हैं। अगर आपका चैनल कोई साइंस पे है या फिर टेक पे है तो शायद इसमें से कुछ ही पॉइंट कवर करें, बट हर पे आप वीडियो नहीं बना सकते। इनफैक्ट अगर इस पे आप एक डेडिकेटेड यूट्यूब चैनल बना सकते हैं इस निच के ऊपर, इस पे सिर्फ आप इसी के नोमैड वीज़ा के ऊपर ही बोल सकते हैं। पूरा चैनल आपका नोमैड वीज़ा के ऊपर हो सकता है जब तक ग्रोथ चल रही है इस पे। तो ऐसा कुछ, ये प्रो टिप था बाय द वे आप सभी के लिए। बट आपको मालूम है कि गूगल, अरे यार, गूगल ट्रेंड्स भी है जो सभी लोग बोलते हैं, जो कि कम्प्लीटली फ्री है और जब भी कुछ ट्रेंडिंग आता है तो यहाँ पे आप देख सकते हो। इनफैक्ट आप अपने से रिलेटेड ट्रेंड को देख सकते हो कि वाकई में वो ट्रेंड जा रहा है कि नहीं जा रहा है। जैसे कि ट्रेंडिंग में क्या चीज़ है मुझे पता नहीं इस समय, बट 11 लैब्स, मैं जानता हूँ कि ट्रेंडिंग चल रहा है और 11 लैब्स DID वगैरह ये काफ़ी ट्रेंड है। 11 लैब्स, तो ठीक है, मैं इसको सर्च करता हूँ। ये एक AI प्रोग्राम है, एक AI प्रोग्राम है जो जिस पे अगर आप वीडियो बनाते हैं तो उसकी आपके मतलब सॉरी अगर आप कोई स्क्रिप्ट डालते हो तो टेक्स्ट टू ये ऑडियो कन्वर्ट करता है। और इसकी जो खूबसूरती ये कि काफ़ी रियलिस्टिक वॉइस देता है। तो इनफैक्ट ये इंडिया में नहीं, ये पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में इसकी पॉपुलैरिटी है। इसको मैं वर्ल्ड वाइड कर लेता हूँ और ये कैटेगरी ऑल रहेगा। और इंटरेस्ट ओवर टाइम पास्ट डे से नहीं, मुझे इसको देखना है पूरा का पूरा पास्ट 5 ईयर्स। तो आई थिंक ये बहुत जल्दी स्टार्ट हुआ ही नहीं है, इसका स्टार्टिंग पीरियड ही बहुत ही वो था। बट इसका इंटरेस्ट यू नो, आपको इतने बड़े चीज़ को मैंने दिखा दिया बट इस पर कोई ट्रेंडिंग दिख नहीं रहा है मुझे। बट ये किस पार्ट में ये काफ़ी चल रहा है ट्रेंडिंग, आप देख सकते हो कि ये चल रहा है यूनाइटेड स्टेट में चल रहा है और चल रहा है इंडिया में। ठीक है, तो पाकिस्तान, यूनाइटेड स्टेट, ब्राज़ील, इंडिया में ये चल रहा है। और इंटरेस्ट मैं बात करता हूँ 12 साल के, क्योंकि मुझे पता है कि 11 लैब्स काफ़ी पॉपुलर सॉफ्टवेयर है टेक्स्ट टू वॉइस। और यहाँ पे अब ये क्या कह रहा है कि ठीक है, ये ट्रेंडिंग तो आपको पता है कि आपने रिसर्च कर लिया, बट इसमें जो लोग सर्च कर रहे हैं ये 11 लैब्स सॉफ्टवेयर कंपनी जो ब्रेकआउट हो चुकी है, ये गूगल्स के लिए, ये गूगल के सही होगा बट यूट्यूब पे मैं वीडियो बनाने की बात कर रहा हूँ। तो उस केस में मेरे दिमाग में आ जाया कि ये जो एक्सटेंशन है vidIQ, मैंने इसको जस्ट ऐसे सर्च किया vidIQ करके, vidIQ, और सिंपली इसके साइट में गया। और फिर जाने के बाद मुझे एक्सटेंशन पे आप सभी को जाना है बाय द वे, और इसको इंस्टॉल कर लेना है। अगर काम करता है तो यूज़ करना, अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर इसको मैंने यहाँ से इंस्टॉल कर लिया, और बहुत पहले मैंने इसको इंस्टॉल किया था जब VPH करके एक जो फीचर है इनका, ये पेड था उस समय। बट अभी आई थिंक ये फ्री हो चुका है कम्प्लीटली, क्योंकि मैं फ्री वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। और अच्छी बात ये है कि मैंने टॉपिक सर्च किया, ठीक है। तो जैसे कि 11 लैब्स, ये एक मैं जानता हूँ कि ये चल रहा है, लोग प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और इसका फ्री खोज रहे हैं। तो अगर मैं जालूँगा यहाँ पे 11 लैब्स, ठीक है, तो मुझे पता चलेगा कि देखो, आपको वो चीज़ पता करना है कि जिसके सब्सक्राइबर बहुत कम है बट उसका जो VPH है वो ज़्यादा आ रहा है। अगर किसी का VPH उसके सब्सक्राइबर को क्रॉस कर रहा है, इसका मतलब समझ जाओ कि उसने सही ट्रेंड पकड़ा है, और उस पर आपको सिमिलर या फिर रिपर्पस उसको कर देना है। उस पर भी आप वीडियो बना सकते हो या फिर थोड़ा घुमा कर इसमें बोनस डालकर दे सकते हो। इससे क्या होगा कि आपने कुछ अलग किया, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, ये वीडियो के लिए मैंने बताया आपको, और ये ट्रिक काफ़ी शानदार है, इसको मैं पर्सनली ट्राई करने वाला हूँ, आप सभी भी करना। तो जैसे कि देखो कि 11 लैब्स को इसने भी कवर किया है, इसका VPH ये है, और उसका अनसीन टेक, ये अनसीन टेक को मैं जानता हूँ,
और इसके बाद 5.76 एक दिन में जब वीडियो आया है, 32 VPS चल रहा है, ठीक है। और इसका 397 सब्सक्राइबर ही है, बट इसका VPH इन्होंने शो नहीं किया, इसका भी VPH नहीं आया। दोबारा कर लेता हूँ, शोइंग रिजल्ट विद दिस। तो इसका जो है बहुत ही कम है, बट इसका VPH शो नहीं कर रहा है। व्यूज़ मैं देख सकता हूँ कितना आया हुआ है इस इसका, वीडियो तो में मैं आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ कि अगर आपको फिर से मैं देख पा रहा हूँ कि मेरा सिस्टम स्लो हो रहा है। इस पर आई थिंक व्यूज़ अच्छा खासा आ चुका है, ये क्रॉस हो चुका है, ठीक है। तो 849 का व्यूज़ तो इन्होंने ऑलरेडी हासिल कर ही लिया है, 2 वीक्स एगो का ये वीडियो है। बट यहाँ पे क्या शो हो रहा है, 2 वीक्स एगो, ओके, 2 वीक्स एगो, मतलब 2 वीक हो चुके हैं तब जाके इसने 844 व्यूज़ आया, बट इसको क्रॉस कर दिया है। 397 सब्सक्राइबर से भी ज़्यादा इसने व्यूज़ लाया है, और सब्सक्राइबर काउंट भी डायरेक्टली सर्च पे इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैं विडाइक यूज़ कर रहा हूँ, ये विडाइक का कमाल है। बट इस पर VPH नहीं दिख रहा है, तो VPH किस पे दिख रहा है, मतलब इस पर व्यूज़ शायद हो सकते हैं आने बंद हो चुके हैं इसलिए ना दिख रहा हूँ। तो इसको आपको कवर नहीं करना है, इस पर अभी भी आ रहा है, हाउ टू गेट द बेस्ट टेक्स्ट टू वॉइस AI 11 लैब्स अल्टरनेटिव रिवील्ड, ठीक है। मैंने इस पे वीडियो किया हुआ है, आप सभी जाके देखें, और इससे बेहतर ट्रिक मैंने शेयर किया हुआ है। इनफैक्ट बड़े बड़े चैनल्स के ऊपर भी VPH नहीं शो कर रहा है, इसका मतलब ये है कि लोग एक ही चीज़ सर्च कर रहे हैं, इनफैक्ट इंडिया में, कि कैसे इसको यूज़ करें 11 लैब्स को। ये तो बहुत छोटा आई थिंक एग्ज़ाम्पल हो गया। अच्छा, एक चीज़ आपको मैं इग्नोर करने को कहूँगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे गया, इस टॉपिक पे गया, क्या कह रहा है कंपटीशन लो, कह रहा है वॉल्यूम जो बोल रहा है 72 है। अभी 72 क्या है, मतलब जैसे गूगल ट्रेंड भी बोल देता है कि 72 इसका ब्रेकआउट हो चुका है 72, जैसे कि मैं दिखाता हूँ आपको अभी, किसी एक टॉपिक के ऊपर एक्सप्लोर पे चलता हूँ, और जल्दी काम करेगा तो मैं जल्दी दिखाता भी, बट सिस्टम स्लो पड़ रहा है पता नहीं क्यों, सिस्टम का स्पेसिफिकेशन काफ़ी सही है। अब यहाँ पे बोलता है 400%, अब ये ठीक है, 400% मतलब परसेंटेज तो 100 होता है, बट यहाँ पे 1000% के ऊपर भी जा रहा है, तो फिर यहाँ पे हम लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, राइजिंग है, फिर ब्रेकआउट है, मैं काफ़ी हो चुका है पॉपुलर इसका मतलब, ठीक है। तो ये काफ़ी की सीट कीवर्ड बोलते हैं इसे, इसे मत चूज़ करना। मैं जो दिखाना चाह रहा हूँ, ये दिखाना चाह रहा हूँ आपको, ये ठीक है 100, इसका मतलब बहुत ज़्यादा है। तो ये नंबर्स में जो शो कर रहा है, ये भी विडाइक्यू भी शो कर रहा है, तो इसका मतलब मुझे समझ नहीं आता है। इससे पहले जो मैंने सर्च किया था उसको दिखाना चाहूँगा, जो कि इस समय ट्रेंडिंग ही फ़ोन है, और इस समय लोग वीडियोस बना रहे हैं, और फ़ोन का दुनिया जो है, और टेक्नोलॉजी की दुनिया है, जो फ़ोन का स्पेशली जो दुनिया है यूट्यूब पे, वो काफ़ी सैचुरेटेड है, तो आपको ओवर सैचुरेटेड है, तो इसको आपको पकड़ना ही नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े चैनल्स और छोटे चैनल्स इसमें शुरुआत भी कर रहे हैं जो कि नहीं जानते हैं। अब देखो कि वेरी लो बोल रहा कॉम्पिटिशन, यार हो ही नहीं सकता। अगर आप भी देखो ना कितने सारे रिजल्ट मौजूद हैं, ठीक है, आप भी वीडियो बना दोगे तो कुछ नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। अगर ट्रिक्स टिप एंड ट्रिक्स शेयर कर दिए, हो सकता है कुछ आ जाए, चूँकि आपके लिए इसके लिए आपको फ़ोन की भी ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ में ना घुसें आप, कॉम्पिटिशन देख पा रहे हो क्या, वेरी लो, और वॉल्यूम 63, इसका मतलब क्या है कुछ समझ नहीं आ रहा है। ओवरऑल हाई है, और क्रिएट ईमेल लिस्ट कर सकते हैं, अलर्ट कर सकते हैं, फिर पता नहीं इसका भी देखना पड़ेगा मुझे क्या है। फिर सर्च टर्म दिस है, हाईएस्ट व्यूज़, एवरेज सब्सक्राइबर एडिट, ये सब किसी फालतू के कोई मतलब का चीज़ बनता ही नहीं है। और मेरे ख्याल से ये डेटा जो उठा रहा है, ये देखो लिख भी दिया गूगल ट्रेंड्स, जस्ट मैंने सोचा है, उसके बाद देखा है यहाँ पे गूगल ट्रेंड्स लिखा हुआ है, तो ये 13 प्रो मैक्स ब्रेकआउट 100, ठीक है। तो उसी तरह मेरे ख्याल से ये भी ले रहा होगा, इसका कोई मतलब समझ में आता नहीं है मुझे। 13 प्रो मैक्स, ठीक है, तो ये आई थिंक नया हुआ है, चलो इसको एक्सप्लोर कर लेते हैं यूट्यूब, ओके ये ट्रेंड्स पे चला गया, ले गया। तो 13 प्रो मैक्स, 13 प्रो मैक्स, तो रेडमी नोट 13 प्रो, 13 प्रो मैक्स पे आया क्या, आई डोंट नो, देखते हैं। मैच हो गया, मैक्स करना है इसको, तो ये आई थिंक 13 प्रो प्लस, 13 प्रो प्लस, 13 प्रो प्लस प्लस है, नहीं मैक्स नहीं है, प्लस है, तो
इसमें भी व्यूज़ आ रहा है ज़्यादा, सब्सक्राइबर काफ़ी सबके ज़्यादा हैं, सभी क्रिएटर ही हैं, मिलियंस में भी है इसका के में है, बट इसमें आपको पता नहीं चल पाएगा। तो इतने बड़े आप टॉपिक्स पकड़िए ही मत, कंपटीशन यहाँ पे आपको पता चल ही नहीं पाएगा। तो आपको वही चीज़ पकड़ना है जिसमें आपको देखना पड़ेगा एक्चुअली कि किसका चैनल का जो काफ़ी न्यू है और उस चैनल का कोई एक टॉपिक काफ़ी चल रहा है जो कि आपसे आपके रिलेटेड से मैच करता हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको शो करा दूँ, ऐसे नहीं मिलने वाला है कोई भी टॉपिक आपको, इसको बंद कर दीजिए आप, ठीक है। मैं गूगल ट्रेंड यूज़ ही नहीं कर रहा हूँ मैं, तो इसको बंद करके मैं जाऊँगा होम पेज पे, क्योंकि होम पेज एक ऐसा जगह है जहाँ यूट्यूब खुद शो करता है, प्रमोट करता है वीडियोस को, ठीक है। और जब ऐसा होगा तो VPH बढ़ेगा, तो इसमें छोटे चैनल्स भी आ सकते हैं, बड़े चैनल्स भी आ सकते हैं। छोटे चैनल्स के आने के जो आसार है वो बहुत ही कम है, बट फिर भी आता है। जैसे कि ये 10x इनकम है, इसका सब्सक्राइबर ज़्यादा होगा बट इसका जो VPH है वो काफ़ी कम है, और ये 5 महीना पुराना हो चुका है। तो VPH क्या है? व्यू पर आवर, एक घंटे में कितने व्यूज़ आ रहे हैं ये बताता है, उसका एवरेज बताता है। तो हमारा AI ये एक चैनल है जिसमें 17 व्यूज़ हैं, इस पर कोई VPH ही नहीं है, इसका मतलब जब 17 व्यूज़ ही है तो मतलब समझे में आए जैसे 24 घंटा हो चुका है उसमें 17 व्यूज़ आए, तो इससे बात नहीं बनेगी। अब देखते हैं कि कौन सा ऐसा चैनल है जिसमें VPH, तो शायद किसी चैनल के अंदर आपको जाना पड़ेगा। इनफैक्ट ये छोटे चैनल की बात नहीं है, बड़े चैनल के अंदर भी जाकर दे सकते हैं कि कंपेयर टू कौन सा ऐसा लेटेस्ट वीडियो है जिसमें ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं। जैसे कि ये एक चैनल है, अभी आई थिंक डोंट नो कि ये हिंदी चैनल है कि इंग्लिश चैनल है, जैसे कि मैं रिसर्च ही कर रहा हूँ बाय द वे, रियल टाइम रिसर्च कर रहा हूँ आप सभी के सामने साथ में। और जैसा कि मुझे बताया गया था कि VidIQ काम करेगा चैनल्स के अंदर, और VidIQ का मुझे यहाँ पे ऑप्शन दिख नहीं रहा है, और अंदर में कोई VPH भी नहीं शो कर रहा है। व्यू ट्रेंडिंग वीडियोस, ओके ठीक है, तो मैं ट्रेंडिंग वीडियोस यहाँ पे देख लेता हूँ क्लिक करके कि क्या शो कर रहा है। ओके सो इसका ट्रेंडिंग वीडियो बहुत अच्छी शो किया मुझे, ऐसा उम्मीद नहीं था मुझे, बट 5 साल पहले इसका अभी भी VPH बहुत ज़्यादा है। और तो इनका ये ट्रेंडिंग वीडियो था, टाइम लैप्स ऑफ द फ्यूचर, ये मार्स के बारे में आई थिंक बात कर रहा है। तो डजेंट मैटर कि 5 साल बीत चुका है कि 100 साल बीत चुका है, अगर किसी वीडियो पे अगर VPH अभी भी आ रहा है इसका मतलब वो चीज़ अभी भी चल रही है मार्केट में, ठीक है, इसका मतलब यही है। तो अगर मैं भी इसके ऊपर वीडियो बनाता हूँ तो मुझे भी व्यूज़ मिल सकते हैं। 5 साल पहले का वीडियो है, बट आप सोचोगे यार 5 साल पहले का है, लेकिन ये टॉपिक्स ही ऐसा कुछ है कि एवरग्रीन टॉपिक है। ओके मार्स की हम बात कर रहे हैं, मार्स आज भी सर्च किया जा रहा है, कल भी किया जाएगा, और इसको लोग देखते ही जाएंगे, इसलिए इस पे जो है व्यूज़ अभी तक आ रहा है। अब आपको वीडियो देखना है कि इसमें बोला क्या क्या है और कैसे बनाए वीडियो, उस पर आप अलग कैसे कर सकते हैं, ठीक है। टॉपिक आपको मैंने दे दिया है, इस तरह से टॉपिक आप ढूंढ सकते हो और वीडियो पे कवर कर सकते हो। अब अभी आपको मालूम है कि अगर आपका फ्रेश चैनल भी है, अगर आप इस टॉपिक पे कवर करने वाले हो तो शायद आपका भी व्यूज़ अच्छा है। लेकिन क्या है कि टाइम लैप्स ऑफ द फ्यूचर, ए जर्नी टू द एंड ऑफ टाइम, मतलब आई थिंक ये 29 मिनट का वीडियो है, 5 मिनट का है भी नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन इसमें होगा नहीं, कुछ बहुत ही तगड़ा ग्राफिक्स में आपको शो किया जाएगा। तो बनाना एज ए कॉमन पीपल जो नए चैनल स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए आई थिंक कि बहुत ही प्रॉब्लम वाली वो बात हो सकती है। तो इसीलिए मिल तो गया बट इसको हम कवर नहीं कर सकते हैं, ये हमारे बस की बात ही नहीं है, क्योंकि 30 मिनट का वीडियो है और इसमें टॉपिक्स क्या है, टाइम लैप्स। तो टाइम लैप्स हम लोग ना बना सकते हैं, टोटल ग्राफिक का खेल है यहाँ पे। तो इस तरह से जैसे कि अगर आपको मैं दूसरा एग्जांपल भी दिखाऊँ, देखिए वीडियो लंबा हो रहा है, मैंने कुछ बड़ा चैनल ही पकड़ लिया है, बट ऐसा कोई चैनल जिसमें आप भी कवर कर सकते हो
तो ज़्यादा अच्छी बात होगी। अब ध्रुव राठी का चैनल मुझे पसंद आता है, उसके जो टॉपिक्स होते हैं काफ़ी अच्छे होते हैं, उसको आप करेक्शन करके वीडियो बना सकते हो, कि बोल सकते हो अपने वीडियो में कि ध्रुव राठी का नाम भी ले सकते हो और ध्रुव राठी को बोल सकते हो कि ध्रुव राठी ने इसने गलत बताया यहाँ पे, या ऐसा बताया वैसा बताया है, तो आप इस तरह से भी कवर कर सकते हो। चलो मैं जाता हूँ वीडियो सेक्शन में और देखता हूँ कि मुझे VPH टॉप कीवर्ड ये बाई विडाक्यू की तरफ से है। ध्यान देने वाली बात यह है कि काफ़ी प्रमोशन होता है ट्यूब का, ट्यूब बड़ी का, ठीक है, हम लोग पहले वही यूज़ करते थे, बट VPH का जो कमाल कॉन्सेप्ट जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी कमाल का है। ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे व्यूज़ आते हैं, बात सही है, बट अगर आप ट्रेंडिंग प्लस एवरग्रीन कंटेंट उठा लेंगे इसकी मदद से तो आपके व्यूज़ हमेशा आएंगे। चलो मुझे पता है कि मैं जो मेरा चैनल है 0 सब्सक्राइबर के साथ में ऐसे टॉपिक पे बात करना मतलब मजाकिया वाली बात है, बट अगर आपके पास ये वीडियो पहुंच चुकी है और आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हो तो शायद आप सही हो, या फिर मुझे सही होना पड़ेगा आगे जाके, या फिर आप ट्राई कर सकते हो कि ये काम कर रहा है कि नहीं। क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाया था 11 लैब्स के ऊपर, वीडियो बनाने के बाद वो ट्रिक मेरे में काम करना बंद कर दिया, लेकिन ये वीडियो अभी भी चल रहा है मार्केट में और लोग लाइक भी कर रहे हैं। चलो मान लेते हैं कि ट्रेंडिंग टॉपिक है, डिसलाइक करते, लाइक्स तो नहीं आते ना, लाइक्स कर रहे हैं इसका मतलब चल रहा है, ठीक है, तो लोगों को ये काम कर रहा है, हो सकता है कि आपके लिए भी काम करे आप इसको अगर फॉलो करें तो। एनफ टॉक, अभी हम क्या करेंगे, चैनल स्टैट्स को दे सकते हैं, ये भी विडाई की तरफ से है। हम जाएंगे वेब्स CSV एक्सपोर्ट एट कंपटीशन व्यू ट्रेंडिंग वीडियोस, काफ़ी अच्छा टूल मुझे अभी लग रहा है बाय द वे, और इनका जो VPH है जो काफ़ी तगड़ा जो आ रही है वो आ रहा है इस पर डार्क रियलिटी ऑफ जवान। तो दोस्तों देखो कि आपको थोड़ा बहुत आगे पीछे का मालूम होना चाहिए, अभी इसलिए इस इतना तगड़ा VPH इस पर आ रहा है। देखो जवान एक ट्रेंडिंग टॉपिक तो है, ठीक है, ट्रेंडिंग मतलब फिल्म अभी कुछ दिन पहले रिलीज़ हुई है, तो आप भी अगर उस पर बात करोगे तो कुछ व्यूज़ आने के चांसेस तो हैं, बट इस वीडियो में टाइटल क्या है, इसने बोला क्या है, किस मुद्दे पे इसने टॉपिक उठाया है और क्यों इतना VP चाह रहा है, क्योंकि इनके सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा हैं, बड़ा चैनल है बाय द वे, तो इसलिए रीज़न ये है कि 32.6 के VPH अभी भी आ रहा है। अब जो इनका VP से जो सबसे कम आ रहा है वो आ रहा है ये वाला रियलिटी ऑफ कुरान बाइबल, बट ये वीडियो काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेटिव है, धीरे धीरे व्यूज़ आ रहा है, बढ़ा रहा है। तो ये इनके ट्रेंडिंग वीडियोस हैं जिन पे व्यूज़ अभी भी आ रहे हैं, तो हमेशा ये एवरग्रीन टॉपिक्स को ही सिलेक्ट करते हैं और इनके सारे वीडियोज़ पे VPH आता है, VPH ये ट्रेंडिंग हो गया बाय द वे इनके चैनल का ट्रेंडिंग, और आप स्क्रॉल करोगे तो देख पाओगे कि 258 लाइक दैट, आई मीन 200-300 हर घंटे व्यूज़ इनको डिलीवर हो ही रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं डिलीवर हो रहे हैं, उनको सब्सक्राइबर भी जा रहे हैं। ओके तो देख लो आप, अगेन मैं कहूँगा कि अगर आप छोटे चैनल को लोगे ना तो थोड़ा ज़्यादा अच्छे से आपको डेटा मिल के आएगा, अगर आप अगर वो सिमिलर चैनल है आपके कॉन्टेंट से रिलेटेड तो आप उस पर अगर रिसर्च करोगे ये VPH का खेल तो शायद ज़्यादा अच्छा हो सकता है, और इसको करने के लिए आपको पहले टॉपिक सर्च करना पड़ेगा, या फिर कोई होम पेज पे आपको ऐसा कोई चैनल मिल गया, ओके, जो जिसको आप भी कवर करना चाहते हो जिसके सब्सक्राइबर बाय द वे कम है, तो यहाँ पे कैसे पता चलेगा जिस सब्सक्राइबर कम है कि नहीं कम है, यहाँ पे तो सब पॉपुलर चैनल है, तो सबसे बेस्ट तरीका ये होगा कि आप सर्च कर लो, तो इनफैक्ट आप कोई भी टॉपिक सर्च कर सकते हो यहाँ पे, बट ऐसा कोई टॉपिक सर्च करना जो कि कॉमन है और उस पर आप वीडियोस को बना सकते हो। चलो मैं सर्च करता हूँ आज पतंजलि के ऊपर, जो मेरा मनपसंद आप मतलब इस पर जो आपको वीडियो बनाना है जिसके ऊपर ना वो सर्च कर सकते हो, जैसे मान लो कि मुझे बनाना है पतंजलि के ऊपर, ठीक है, अब मैं जा सकता हूँ पतंजलि शिलाजीत के ऊपर जा सकता हूँ, क्योंकि ये अगर YouTube सर्च में दिख रहा है इसका मतलब है कि लोग सर्च कर रहे हैं पतंजलि शिलाजीत सर्च कर रहे हैं, तो मैं इसको इन डेप्थ में जाकर
जानकारी जुटा करके बोल सकता हूँ कि शिलाजीत फर्जी है इनका, मत लो वगैरह वगैरह, लेकिन उसके लिए मुझे पूरे डिटेल में जाना पड़ेगा। अगर आपने ऐसे फर्जी में वीडियो बना दिया कि शिलाजीत फर्जी इनका है और पाया गया कि नहीं फर्जी है, तो आपके वीडियोस में हेट मिलेंगे। इसलिए वीडियोस को काफ़ी ढंग से बनाया जाता है, जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है पहले आप कलेक्ट करें इन्फॉर्मेशन को, क्योंकि यूट्यूब इन्फॉर्मेशन की दुनिया है। पतंजलि शिलाजीत, चलो अगर मान लेते कि मुझे पतंजलि शिलाजीत के ऊपर वीडियो बनानी है, क्योंकि मुझे YouTube ने बता दिया अभी कि शिलाजीत के ऊपर वीडियो बनाओगे तो व्यूज़ आ सकते हैं, क्योंकि ये ट्रेंडिंग सर्चेस हैं जो मुझे दिखा, सजेस्ट किया गया मुझे। अगर मुझे किया गया तो हो सकता है कि कई और लोग को भी किया गया होगा, तो उन्होंने भी क्लिक किया होगा इसी तरह शिलाजीत के ऊपर। अब मुझे यहाँ से फाइंड आउट करना है कि किसका चैनल का जो व्यूज़ सब्सक्राइबर वो बहुत कम है, बट जो व्यूज़ है उसने क्रॉस किया उसको, जैसे कि ये 17,000 सब्सक्राइबर है बट इन्होंने कवर किया तो इनको मिला 107 के व्यूज़। पतंजलि दिव्य शुद्ध शिलाजीत बेनिफिट। अब कुछ इन्होंने कुछ किया या फिर इनके वीडियो शेयर हुए, क्या इन्होंने बोला अंदर, ये पहले देखना पड़ेगा आपको। ऐसे ही नहीं कि टॉपिक इन्होंने चूज़ किया और वीडियोस पे व्यूज़ आ गया, कई सारे फैक्टर्स होते हैं दोस्तों। ऐसा नहीं कि मतलब टॉपिक आपको मिल गया बना लो। देखो मैं जो भी बोल रहा हूँ वो सब कुछ नकारा हो सकता है, सब कुछ ख्वाहिश हो सकता है, तो कई सारे फैक्टर्स होते हैं तब जाके उनको ये वीडियो व्यूज़ जो मिल रहे हैं वो हासिल होते हैं। अब इनका चैनल सिर्फ पतंजलि पर ही हो सकता है। उन्होंने कई सारे वीडियोस बनाए हैं, तब YouTube देखा कि इन्होंने एक टॉपिक के उल्लेख को बहुत सीरियस है और रेगुलर अपलोड्स हो रहे हैं, तो उसमें से किसी एक वीडियो को YouTube वायरल भी कर सकता है, या फिर जनरली किसी एक वीडियो पे व्यूज़ आ रहा है, तो वो चीज़ें देखनी होती हैं, कई सारे फैक्टर्स होते हैं। अब यहाँ पे सभी के चैनल पे सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा हैं, बट यहाँ पे मुझे एक मिला technospot.net जिसके सब्सक्राइबर मात्र 4.18 के हैं, और इन्होंने बताया कि शिलाजीत को टेस्ट कैसे करते हैं, तो काफ़ी अच्छा टॉपिक पकड़ा इन्होंने कि टेस्ट कर लो भाई शिलाजीत। और यहाँ इन्होंने पतंजलि को मेंशन भी नहीं किया है, बट चलते हैं। ओह, चलने से पहले मैं एक चीज़ देखना चाहूँगा बैक जाके कि अदर टॉपिक में आता है कि नॉर्मल टॉपिक में आता है। ओके, तो ये देखो आप कि पीपल ऑल्सो वॉच्ड मी, इसलिए यहाँ पे पतंजलि का नाम नहीं आया है। पतंजलि का खेल यहाँ पे ख़त्म हो चुका था, डाबर शिलाजीत आ चुका था, पतंजलि से कंपेयर था, बट यहाँ पे ये जो भाई साहब हैं 4.18K सब्सक्राइबर के साथ में जो वीडियो किया है, हाउ टू टेस्ट शिलाजीत, 12 साल पहले का वीडियो है दोस्तों, टाइम भी देख लेना, हाउ टू टेस्ट शिलाजीत। अब हाउ टू टेस्ट शिलाजीत के ऊपर बहुत सारे वीडियोज़ बने होंगे, अब इसमें से आपको जाके कुछ अलग ही यूनिक करना पड़ेगा। देखो मैं आपको उसका रात बताऊं, और अभी तक तो मैंने आपको बताया नहीं है कि इसके VPH कितना है, ठीक है? VPH कैसे पता चलेगा आपको? अब जाएंगे इसके अंदर, हो सकता है कि यूट्यूबर जो है ये काम करना बंद कर चुका होगा अभी, तो वीडियोस पे अगर मैं गया तो देख पा रहा हूँ कि 2 साल पहले का, जैसा कि मैंने गेस किया कि ये या तो टॉपिक ही चेंज कर लिया या तो इनका, हाँ तो दोस्तों फिर इनका तो चैनल रीड करने के लायक ही नहीं है, क्योंकि इनके टॉपिक चेंज हो चुका है और बहुत ही पुराना वीडियो था, तो अब ज़रूरी नहीं है कि आप उस पर अगर वीडियो बनाओगे तो आपको व्यूज़ आ ही जाएगा। तो जाते हैं बैक और फिर सर्च करते हैं नेक्स्ट। तो आई गेस दोस्तों ये पूरा जो मैं रिसर्च करके आपको दिखा रहा हूँ, सोल्यूशन मैं दिखा नहीं पाया हूँ, ऐसा नहीं कि मैं सोल्यूशन आपको दिखा पाऊँगा, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं, ठीक है? टाइम क्या है, डेट क्या है, किस टॉपिक वीडियो बनाया, कैसे बनाया है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे फैक्टर्स हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं कि किसी एक टॉपिक पे आपका VP चाह रहा है तो आप भी बनाओ, टेस्ट कर सकते हो, बट कई सारे रीजंस होते हैं, हो सकता है कि आप पे ना ही आए व्यूज़, हो सकता है आ जाए, तो अगर कॉमन सेंस लगाओगे इस तरह से तो बात बन सकती है। अब इस पे मात्र 373 VPC क्यों आ रहा है, ये एक घंटे में 373 VPC व्यूज़ आया है, बड़े चैनल काफ़ी बड़ा है। जैसे कि अंदर ले जाऊं और दिखाऊं तो इनके पास एज ए 2.7 मिलियन सब्सक्राइबर है, और इनके ट्रेंडिंग जो वीडियो है वो
स्लो लोडिंग है तो वेट कर लें। इनका जो है मोदी स्ट्रेटजी टू विन 2024 बिड इलेक्शन, और इस पे जो VPH हाई इसीलिए आ रहा है क्योंकि ये इनके पास जो ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं वही कूद पड़ रहे हैं, तो इसको ये ट्रेंडिंग बना रहे हैं इस वीडियो को। ठीक है, ऐसा नहीं कि इन्होंने ट्रेंडिंग टॉपिक कवर कर दिया है, हाँ ट्रेंडिंग टॉपिक कवर किया है और पहले भी कवर किया है, सबसे पहले कवर किया है इन्होंने, तो ट्रेंडिंग टॉपिक भी है और इनका व्यूज़ इतना ज़्यादा मिलने का रीज़न भी ये है कि इनके पास जो एग्जिस्टिंग डेटाबेस सब्सक्राइबर का जो लोग ऑडियंस हैं वो उनको देख रहे हैं और इसीलिए ट्रेंडिंग पे चला भी जाएगा। मतलब अगर जाएगा ट्रेंडिंग पे तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये वीडियो ट्रेंडिंग पे है तो आप इस पर बना लो, नहीं, इन्होंने ट्रेंडिंग टॉपिक पकड़ा गया भी है। देखो मार्स एक ऐसा कीवर्ड है या फिर टॉपिक है, मार्स, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि मार्स, अभी कोई बड़ा चैनल इस पर वीडियो बना दे और ऐसा बना दे कि लोग शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और यूट्यूब इसको प्रमोट करना स्टार्ट कर दें, इतना करे, इतना व्यूज़ आ जाए कि वो ट्रेंडिंग बन जाएगा। तो मार्स अगर ट्रेंडिंग है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप फिर मार्स के ऊपर वही सेम टॉपिक कवर करके वीडियो बना दो, अगर ऐसा करोगे तो बिल्कुल व्यूज़ नहीं आएगा, अगर वैसा करोगे भी तो इन्हीं का वीडियो सबसे पहले सबको दिखाई देगा। तो आई होप कि आप समझ सकते हो कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है, आपको पॉसिबिलिटी दिख रही होगी अभी आपको। ठीक है, आपको यही चीज़ को फॉलो करना है और आपको व्यूज़ ज़रूर मिलेंगे। धन्यवाद देखने के लिए, अगर आपके पास इससे ज़ोरदार ट्रिक है तो मुझे शेयर ज़रूर करें।